हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आप लोगों से डीआई के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें होता है क्या है, आपको दो ग्राफ दिया जाता है और एक ग्राफ पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो इस प्रकार से दो ग्राफ से आपसे कुल मिलाकर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न आपके 10 नंबर के होते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों से टेबल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टेबल के भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों क्वेश्चनों पर जो है 5-5 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपसे 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है और इस प्रकार से जो है डीआई से आप में जो है 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करने में, हम लोग जो है इन क्वेश्चनों को जो है हम लोग सॉल्व करके अपना 20 में से 20 नंबर जो है पक्का कर सकते हैं, ठीक है। और ग्राफ के क्वेश्चन को देख करके जो आप लोग को डर लगता है वो डर बिल्कुल दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो है काफ़ी ईजी वे में जो है ग्राफ और टेबल दोनों के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग भी पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए, ताकि आप लोग जो है ग्राफ और इस टेबल से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से आप लोग अपना 20 नंबर फिक्स कर सकें। ये जो है हम लोग इसमें ग्राफ वेज जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये हम लोगों का जो सेट है ये 9वां सेट है। अगर इससे पहले के सेटों को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके उन सभी सेटों को देख करके आइए, तो आप लोगों के लिए जो है ये ग्राफ समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना ये क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, इस तरह से होता है, इसमें एक ग्राफ बना रहता है, ठीक है, और इसी ग्राफ पर आधारित हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है, पहले ही बार में हमको क्या करना होता है, ग्राफ में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उन सभी इंफॉर्मेशन को हमको एक ही बार में सही से ध्यान से देखना होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो बार बार हम लोगों को ग्राफ ना देखना पड़े, इसके लिए ग्राफ को ध्यान से एक बार में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है कि एक विद्यालय में कक्षा 6 के 6 सेक्शन, अनुभाग का मतलब क्या होता है, 6 सेक्शन में छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है, ठीक है। इस तरफ जो दर्शाया गया है ये सेक्शन दर्शाए गए हैं और इस तरफ जो दर्शाया गया है ये छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर सेक्शन ए में कितने छात्र हैं, तो देख रहे हैं 34 छात्र हैं। उसी प्रकार से सेक्शन बी में कितने छात्र हैं, तो कितने 35 छात्र हैं। सेक्शन सी में कितने छात्र हैं, तो देख रहे हैं सेक्शन सी में हमारे 31 छात्र हैं। इसी प्रकार से डी, ई और एफ में भी छात्रों की संख्या दर्शाई गई है और इसी के आधार पर हम लोगों को अपने प्रश्नों का जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न हम लोगों से कैसे पूछे जाते हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पहला ही, कि वे दो अनुभाग कौन से हैं, यानी वे दो सेक्शन कौन से हैं जिनमें छात्रों की संख्या एक समान है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में कितने 34 छात्र हैं, और फिर सेक्शन एफ में अगर हम लोग देखें तो इसमें भी कितने 34 छात्र हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए और एफ में जो हैं यहाँ पर छात्रों की संख्या समान दिख रही है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अनुभाग एक तथा अनुभाग एफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सेक्शन ए और सेक्शन सी में छात्रों की संख्या में पारस्परिक अनुपात कितना है, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन सी के छात्रों की संख्या का अनुपात बताना है, यानी ए अनुपात सी हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो ए में कितने छात्र हैं, तो ए में देख रहे हैं 34 छात्र हैं, और सी में कितने छात्र हैं, तो सी में कितने छात्र दिख रहे हैं आपको, 31 छात्र दिख रहे हैं। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 34:31 हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ वाले प्रश्न आप लोगों को इसी तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और तुरंत कंडीशन बना लेनी है, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन आप लोग बना लेते हैं क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि कक्षा 6 में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो कक्षा 6 में जितने सेक्शन हैं सभी सेक्शन के छात्रों की संख्या को जोड़ दीजिए। तो इसमें कितने हैं, इसमें 34 हैं,
और बी में कितने हैं तो इसमें 35 हैं, और सी में कितने हैं तो इसमें 31 हैं, डी में कितने हैं तो इसमें कितने 32 हैं, और ई में कितने हैं तो यहाँ पर 33 हैं, और एफ़ में कितने हैं तो एफ़ में भी कितने हैं 34 हैं। सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सभी को जोड़ने के लिए क्या कीजिए, आप लोगों को जोड़ने का हम एक छोटा सा तरीका बताए थे कि आसानी से कैसे जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, ठीक है, 18 हो गया। तो ये हो गया हमारा कितना, 180, ठीक है, कितना हो गया, 180 हो गया। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो और अंक दिए गए हम उनको जोड़ लेते हैं। तो 5, ये 4 हो गया, 4 और 5 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15 और 15 4 19, यानी इसमें 19 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 199, ठीक है। तो इसमें हम लोगों के कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 199 है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन सभी में, इन सभी को हमने क्या किया, सबको आपस में जोड़ लिया है, ठीक है। और बाकी जोड़ने का तरीका आप लोगों को आसानी से हम बताए कि कैसे जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जब आप लोग जोड़ेंगे तो ऐसे ग्राफ में ही क्वेश्चन आप लोगों के इसके सॉल्व हो जाएंगे, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ग्राफ में ही आप लोग क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की विधि जान लेते हैं, जैसा हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप लोगों का इसमें टाइम भी बचेगा, ठीक है। विद इन टाइम आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अनुभाग बी तथा अनुभाग सी में छात्रों की संख्या का पारस्परिक अनुपात कितना है। तो किसमें, बी में और सी में हम लोगों को बताना है, ठीक है, बी अनुपात सी हम लोगों को बताना है। तो बी में कितने हैं, तो बी में देख रहे हैं 35 हैं, और सी में कितने हैं, तो सी में 31 हैं। तो कितना आ जाएगा, ये 35:31 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि अनुभाग सी में, तो इस सी सेक्शन में कितने छात्र हैं, 31, ठीक है। छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, छात्रों की कुल संख्या सभी को जोड़े थे तो कुल संख्या हमारी अभी कितनी आई थी। तो आप लोगों को देखिए, डेटा पहले से भी हर एक क्वेश्चन में तैयार भी मिल सकता है, ठीक है, तो बार बार आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो आई थी 199, और हम लोगों को बताना है कि 199 का 31 जो है ये कितना परसेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज बताने के लिए 31 जो है 199 का कितना परसेंट है, तो 100 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, 31 में 199 से का जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.5115, और फिर 5 7 आता है, और गुणे 100, ठीक है। और फिर 100 का गुणा करेंगे तो 15.5% आ जाता है हमारा, ठीक है, 15.5% आ जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ा मिल सकता है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि बाकी क्वेश्चनों में आप लोगों ने अपना टाइम बचा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में ये हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोगों से, जैसे एक ग्राफ दिया गया आप लोगों से, कुछ प्रश्न उस पर पूछे गए, अब फिर इसके बाद हमको एक ग्राफ दिया गया है और इस पर कुछ प्रश्न हम लोगों से अब पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो हम लोगों को ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को बढ़िया से पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक कंपनी की जो है 2000 से 2005 तक की बिक्री का विश्लेषण दिया गया है, ठीक है, यानी वर्ष 2000 में कितना इसका बिक्री रहा, तो देख रहे हैं कितना बिक्री है। अब देखिए इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस आपको 50 का दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 300 से ज़्यादा है, 350 से कम है, लेकिन कितना कम है, ठीक है, कितना कम है, तो इसको 10-10 के पार्ट में, 5 पार्ट में हम लोग बांट लेंगे। तो इसको कितना मान लेंगे, 340, ये कितना हो जाएगा हमारा, 340 में होगा। और फिर उसके बाद जो है 2001 में कितना हम लोगों का है, ठीक है, 2001 में, तो देख रहे हैं 300 से ज़्यादा है, लेकिन 340 तो 320 के पास में है, ठीक है। इसी तरह से वर्ष 2000 में कितना, 2002 में हम लोगों की बिक्री कितनी है, तो 2002 में बिक्री सीधा 400 यहाँ पर हम लोगों को दिख रही है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें 2003 में एक बिक्री कितनी है, तो 2003 में बिक्री यहाँ पर 420 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कितनी बिक्री हो जाएगी वर्ष 2004 में, देखिए सारे डेटा आप लोगों को एक बार में हम बढ़िया से समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिक्री कितनी हो जाएगी, तो देखिए ये लगभग 450 के है, तो ये 440 हो जाएगी, ठीक है, 450 के है तो 440 थोड़ा सा उससे कम है। और यहाँ पर जो बिक्री है हमारी वर्ष 2005 में, तो यहाँ पर देख रहा है सीधा सीधा आपको 400,
ठीक है। तो ये बिक्री हम लोगों को दी गई है, पर ध्यान रखना है बिक्री हम लोगों को हज़ार में दी गई है। किस में दी गई है? हज़ार में दी गई है, तो 340 हज़ार हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें हम लोग हज़ार का गुणा करके अपना आंसर प्राप्त करेंगे, ठीक है। और कहाँ पर आप लोगों को गुणा करना है, कहाँ पर गुणा नहीं करना है, ये चीज़ हम आप लोगों को बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कैसे हम लोगों से पूछा गया है। तो इसमें हम लोगों से पहला ही प्रश्न किया गया क्या कि वर्ष 2004 में, वर्ष 2002 में बिक्री का कितने प्रतिशत है। तो वर्ष 2004 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर बिक्री कितनी है, तो बिक्री यहाँ पर हम लोगों की है, देखिए 450 से कम तो 440 है, और वर्ष 2002 में कितनी बिक्री है, तो वर्ष 2002 में कितनी बिक्री है, 400, ठीक है। और हमको बताना है क्या, 440 जो है 400 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो परसेंटेज बराबर क्या, 440 जो है ये 400 का कितना परसेंट है। तो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट, चार से इसको काटेंगे तो एक एक बचेगा, यानी 110% कितना है, 110% है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है हम लोगों को, कह रहा है कि किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई, ठीक है, न्यूनतम कमी देखी गई। तो यहाँ पर देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों की कितनी है, तो 340 है, और यहाँ पर बिक्री कितनी है, 320 है। तो यहाँ पर देखिए पिछले वर्ष की तुलना में आपको बताना है, तो वर्ष 2001 में कितनी कमी आई है, तो दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर दिख रहा है कितनी कमी आई है, तो 20 की कमी आई है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखें यहाँ इस वर्ष में तो बढ़ोतरी हुई है, इस वर्ष में भी बढ़ोतरी, यहाँ पर भी बढ़ोतरी, यहाँ पर कमी फिर से आई है, ठीक है। तो यहाँ पर कमी कितने की आई है, तो ये हमारा कितना है 440, और ये कितना है हमारा 400, तो इनके बीच में कमी कितने की आ गई, तो कमी देख रहे हैं हम लोग कितना, 40 की कमी आई है, ठीक है। तो न्यूनतम कमी कहाँ पर देखी जा रही है, तो न्यूनतम कमी यहाँ पर यानी वर्ष 2001 में देखी जा रही है। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40 तो ज्यादा है ना, 20 ही तो छोटा है, तो न्यूनतम कमी कहां पर है, तो न्यूनतम कमी वर्ष 2001 में है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों से कि 2003 में बिक्री, तो 2003 में बिक्री कितनी है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो बिक्री कितनी आएगी, 420, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्ष 2001 में बिक्री, तो वर्ष 2001 में बिक्री कितनी है, तो 320 है, ठीक है। तो कितनी अधिक है बिक्री, ये हम लोगों को इसमें बताना है। तो बताइए आप लोग ये 320 से 420 कितना ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, सीधा दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे, यानी 420 में से 320 को घटा देंगे, और फिर कितना बचेगा हम लोगों का, 100 बचेगा। पर ध्यान रखिएगा बिक्री कितनी, किस में है, हज़ार में है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हज़ार का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 50 यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हम लोगों का सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हज़ार का गुणा करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के होंगे जहां पर आप लोगों को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑप्शन से भी आप लोगों को पता चल जाएगा, अगर आप लोग डायरेक्टली 100 पर देखिए आया, तो आपका अंतर 100 था, तो पहले ऑप्शन में भी 100 दे दिया गया, ठीक है। तो आप लोग चाहते तो तुरंत उसको टिक कर सकते थे, पर नहीं, ध्यान रखिएगा पहले ही ऑप्शन में आपको उल्लू बनाने के लिए दिया गया है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोगों से क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2001 में बिक्री, 2002 में बिक्री का कितना गुना है। तो 2001 में बिक्री, 2001 में बिक्री कितनी है, 320 है, और फिर उसके बाद 2002 में बिक्री कितनी है, तो सीधा दिख रहा है 400, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गुना है, तो गुना हम लोगों को बताने के लिए क्या करना होगा, 320 में 400 से भाग करना पड़ेगा। तो भाग कर दीजिए, तो यहाँ से जीरो कैंसिल होगा, 4 × 4 = 32, तो कितना बचा, 8/10, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बटे में कितना है, एक जीरो है, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 10 से भाग करने का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि किस वर्ष बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है, ठीक है। देखिए वृद्धि की बात करी जा रही है, पिछले वर्ष की तुलना में वो भी,
ठीक है, पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम लोगों का जो पहला ऑप्शन दिया गया है वर्ष 2000, तो वर्ष 2000 में अगर देखें तो पिछला वर्ष इसका क्या है, कुछ दिया ही नहीं गया है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। अब फिर उसके बाद वर्ष 2002 दिया गया है दूसरे ऑप्शन में, तो यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है ये हम लोगों को सबसे पहले ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर कितना है 320 और यहाँ पर कितना है 400, ठीक है। तो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो वर्ष 2002 में हम प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं, प्रतिशत वृद्धि ही बतानी है। तो पिछले वर्ष में कितना है 320 है और वृद्धि कितनी हुई है, तो सीधा आपको 80 दिख रहा होगा वृद्धि हुई है, तो हो जाएगा 80 × 100, ठीक है। 0 से 0 8 = 32 और 4 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 25% की वृद्धि हुई है। और फिर उसके बाद वर्ष 2003 में वृद्धि अब हमको देखनी है, तो वर्ष 2003 में वृद्धि कितनी, तो वर्ष 2003 में कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा है 420, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में हम लोगों को बताना है, तो पिछले वर्ष में कितना है यानी वर्ष 2002 में कितना है, तो 400 है और वृद्धि यहाँ से यहाँ तक में कितनी हुई है, तो देख रहे हैं 20 की वृद्धि हुई है, तो 20 हो जाएगा और फिर उसके बाद गुणे में 100, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 5 = 20, तो कितना आ गया 5%, यानी 5% की वृद्धि यहाँ पर हुई है। और फिर वर्ष 2004 में अब हम लोग देख लेते हैं, तो वर्ष 2004 में कितने की वृद्धि हुई, तो वर्ष 2004 में कितना हो गया है 440 हो गया है, कितना हो गया है 440 हो गया है, और पिछले वर्ष था कितना 420 और 440 होने में कितने की वृद्धि हुई है 20 की, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो गुणे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इससे इसको कैंसिल आउट कर दें और इसको काटेंगे जब 2 से 42 को, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है, और 100/21 हो जाएगा, ठीक है, 100/21 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, तो देखिए 21 + 84 = 21 × 5 = 105 होता है, तो 4 something आएगा, ठीक है, 4 something यानी 7% के आसपास आएगा। तो इसमें आप लोगों को बताना है न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि, तो इन सभी प्रतिशतों में सबसे ज़्यादा कम मान वाला कौन सा है, तो यही है 4.7, और किस वर्ष में है, वर्ष 2004 में है, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रश्न के साथ जो है हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अभी और भी ढेरों सारे DI के क्वेश्चनों पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर इन सभी वीडियोज़ के PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।